आज का टॉपिक है गुण विज्ञानी। गुण का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ गुण। वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थों में गुण को दूसरा स्थान दिया है। गुण द्रव्य में आश्रित रहता है। द्रव्य और गुण दोनों ही परस्पर आधार आधेय भाव से रहते हैं। द्रव्य आधार है और गुण आधेय। गुण को द्रव्य का निष्क्रिय रूप कहा जा सकता है। कर्म को द्रव्य का सक्रिय रूप कहा जाता है। चरक संहिता के षट पदार्थों में गुण का तृतीय स्थान है। चरक संहिता ने जो षट पदार्थ माने हैं वह हैं सामान्यम च विशेषम च गुणानि द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता। अर्थात चरक संहिता के अनुसार षट पदार्थ हैं सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। जबकि वैशेषिक दर्शन ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इस प्रकार माने हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण को दूसरा स्थान और चरक संहिता के अनुसार गुण को जो स्थान प्राप्त है वह है सामान्य, विशेष और गुण, मतलब तीसरा स्थान प्राप्त है गुण को। गुण शब्द की व्युत्पत्ति, गुण आमंत्रणे, इस धातु से गुण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। गुण शब्द की निरुक्ति, गुण आमंत्रणे, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि द्रव्य में जो गुण होता है वही किसी को आकर्षित करता है। अगर द्रव्य में गुण ना हो, द्रव्य गुण से रहित हो, तो उसका कोई औचित्य नहीं है, वह किसी को आकर्षित नहीं कर पाएगा। वह अपने गुणों के कारण ही द्रव्य दूसरे को आकर्षित करता है। गुण शब्द की निरुक्ति वाचस्पत्यम के अनुसार है, गुणेते आमंत्रयते लोके अनेन इति गुणः, जिसके कारण लोक या लोकगत लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे गुण कहा जाता है। शब्द कल्पद्रुम के अनुसार गुण्यते मंत्रयते इति गुणः, जिसके द्वारा लोक द्रव्य की ओर आकर्षित या आमंत्रित होते हैं उसे गुण कहते हैं। गुण के लक्षण, वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभाग योर्न कारण मनपेक्ष इति गुण लक्षणम्। द्रव्य आश्रय अगुणवान संयोग विभाग योग न कारण अनपेक्ष इति गुण लक्षणम्। गुण के लक्षण हैं, द्रव्य के आश्रय से रहने वाला अगुणवान गुण वाला न हो, संयोग और विभाग में कारण न हो, अनपेक्ष होकर, यह गुण का लक्षण है।